गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड थर्ड चैप्टर ऑफ ईवीएस। द नेम ऑफ चैप्टर इज पीपल एट वर्क, मीन्स लोग काम पर या लोग और उनके काम। आज हम इस चैप्टर में ऑक्यूपेशन के बारे में जानेंगे कि ऑक्यूपेशन होता क्या है। ऑक्यूपेशन का मतलब है व्यवसाय। कोई भी काम जो पैसे कमाने के लिए किया जाता है उसे हम व्यवसाय कहते हैं या ऑक्यूपेशन कहते हैं। Many people around us take care of our needs. हमारे आसपास के कई लोग हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। Around means आसपास, need means आवश्यकता। यह आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करना है with meaning. Some of these people are doctors, farmers, tailors, etc. इनमें से कुछ लोग डॉक्टर, किसान और दर्जी हैं, जो क्या करते हैं, हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। पीपल हैव डिफरेंट एबिलिटीज़ एंड चॉइसेस, सो दे डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। लोगों की काम करने की क्षमता और पसंद अलग अलग होती है, इसलिए वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। लोगों में क्या होती है, लोगों की तो सबसे पहले पसंद अलग अलग होती है और उसके अंदर उनमें एबिलिटी भी अलग अलग होती है, जिसके थ्रू वो अपना जो काम है वो अलग अलग करते हैं। द वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। काम, कोई भी काम जो पैसे कमाने के लिए किया जाता है वो ऑक्यूपेशन कहलाता है। अब हम इस पिक्चर के थ्रू देखते हैं कि लोगों के जो काम होते हैं वो कैसे डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है फार्मर। अ फार्मर ग्रोज क्रॉप्स, फार्मर फसल उगाता है। अ पोस्टमैन ब्रिंग्स अवर लेटर, पोस्टमैन हमारे लेटर को लेकर आता है। किसके लिए, हमारे लिए लेकर आता है। अ बार्बर कट्स अवर हेयर, बार्बर हमारे हेयर्स को कट करता है। टेलर हमारे कपड़े को स्टिच करके हमें देता है। कारपेंटर हमारे लिए फर्नीचर बनाते हैं। इलेक्ट्रीशियन क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। किसको रिपेयर करते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग को। टीचर हमें पढ़ाती हैं स्कूल में। डॉक्टर जो बीमार होते हैं उनका इलाज करते हैं। स्वीपर सफाई का काम करते हैं। बेकर हमारे लिए बेक करते हैं, ब्रेड, केक, बिस्किट एक्सेट्रा। प्लम्बर क्या रिपेयर करते हैं, जब हमारी टेप्स लीक हो जाती है, पाइप लीक हो जाती है, तो वो प्लम्बर रिपेयर करने का काम करते हैं। मैकेनिक क्या करते हैं, मैकेनिक कार को या कोई भी जो गाड़ी होती है उसे रिपेयर करने का काम करते हैं। आपने देखा सबके जो काम हैं, सबके जो वर्क हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं लेकिन सबके जो वर्क हैं वो एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है और एबिलिटी भी सब में अलग अलग होती है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, टीचर प्लेज अ मेजर रोल इन अ शेपिंग अप द फ्यूचर ऑफ अ स्टूडेंट। एक शिक्षक एक छात्र के भविष्य को तैयार करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। देट इज़ वाई सी इज कॉल्ड अ करेक्टर बिल्डर, यही कारण है कि उसे चरित्र निर्माता कहा जाता है। ऑल द पीपल हु प्रोवाइड सर्विस टू अस आर कॉल्ड कम्युनिटी हेल्पर्स। वे सभी लोग जो हमें सेवाएं प्रदान करते हैं उन्हें हम कम्युनिटी हेल्पर कहते हैं, मीन्स सामुदायिक सहायक कहते हैं। दे मेक अवर लाइफ ईजियर एंड कम्फर्टेबल, वे हमारी लाइफ को क्या करते हैं, बहुत आसान और आरामदायक बनाते हैं। वी पे फॉर देयर सर्विस, हम जो उनकी सेवाएं होती हैं हम उनके लिए उन्हें भुगतान करते हैं। मीन्स अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उन्हें पे करके आते हैं ना, उसका मतलब भुगतान का मीनिंग यही है। वी शुड रिस्पेक्ट द वर्क दे डू, हमें उनके काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो वो काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल वर्कर्स। जो समाज के लिए काम करते हैं वो सोशल वर्कर्स होते हैं। सोशल वर्कर्स वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज की भलाई के लिए सामाजिक कार्यकर्ता काम करते हैं या समाज के सुधार के लिए सामाजिक कार्यकर्ता कार्य करते हैं। मदर टेरेसा वॉज अ ग्रेट इंडियन सोशल वर्कर हु गेव हर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन।
मदर टेरेसा एक महान भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपनी निस्वार्थ सेवा दी है। मीन्स उन्होंने कोई उसके लिए कोई मतलब के लिए काम नहीं किया, उन्होंने निस्वार्थ सेवा दी है, उनमें उसमें उसका कोई भी स्वार्थ नहीं था मदर टेरेसा का। सी इवन वॉन अ नोबल प्राइज फॉर हर एफर्ट्स, उन्होंने नोबल प्राइज जीता था अपने इस काम के लिए, अपने इस एफर्ट्स के लिए। ये देखिए मदर टेरेसा की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इन्होंने नोबल प्राइज जीता था अब जो उन्होंने काम किया था उसके लिए, जो समाज के लिए काम किया था उसके लिए उन्हें नोबल प्राइज मिला था। मेधा पाटकर इज अनदर सोशल वर्कर हु वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ अवर एनवायरमेंट। मेधा पाटकर एक अन्य सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो हमारे पर्यावरण की बेहतरी के लिए काम करती हैं। मेधा पाटकर ने हमारे समाज की बेहतरी के लिए क्या किया था, काम किया था। जो भी समाज के लिए काम करते हैं, समाज सुधार के लिए काम करते हैं, उन्हें हम सोशल वर्कर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर 3 टाइम रीड करना है और डिफ़िकल्ट वर्ड अपनी कॉपी में नोटबुक में राइट करना है। थैंक यू।